उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महाकुंभ अगले साल जनवरी फरवरी में होने वाला है। हर 12 साल में मनाए जाने वाले महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने के आसार हैं। महाकुंभ के दौरान होटल इंडस्ट्री को अच्छे कारोबार की उम्मीद है। उनका मानना है कि मेला आने तक राज्य सरकार छोटी मोटी समस्याएं दूर कर देगी। 2025 का कुंभ जो है वो बहुत बड़ा कुंभ होने वाला है। ये एक्चुअल में ये महाकुंभ है, 2019 से बहुत बड़ा कुंभ होगा ये। लेकिन होटलों की बहुत सारी समस्याएं 2019 में भी थी, 2013 में भी थी, और अगर उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो समस्याएं विकट रूप लेंगी 2025। सरकार भी अनुमान लगा रही है कि इसमें कई करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इन यात्रियों के संभावना आने की संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन को विशेष रूप से इसको बढ़ावा देना चाहिए, और पर्यटन के में एक आवश्यक जो है एक अंग के रूप में होटल व्यवसाय, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एक अंग होता है। और वर्तमान समय में जितनी आवश्यकता है यहाँ पर रूम्स की, जितने होटलों की, गेस्ट हाउसेस की, वो अपर्याप्त है। किसी भी धार्मिक आयोजन का अहम हिस्सा नाविक भी होते हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनका कारोबार सलीके से चलाने में मदद करे। 2025 का कुंभ है, यहाँ पे लाखों आदमी, करोड़ों आदमी आएंगे। जिस हिसाब से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे हमारे नाविकों को नाव का घाट होना अच्छी होना चाहिए, नाविकों का रेट बढ़ना चाहिए, जैसे कि नाविकों का हमारे लिए लाइफ जैकेट होना चाहिए। वह गरीब आदमी है, वो लाइफ जैकेट नहीं खरीद पा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। हमारे को सुविधा ये चाहिए कि हम लोग आते हैं नाइट, सुबह आते हैं 3 बजे आते हैं, सुबह नाव चलाते हैं। नाव चलाने के लिए प्रशासन हमारे लोग की बहुत परेशानी करती है। अगर मान लीजिए जैकेट आप हमारे लिए देंगे, ये गवर्नमेंट का ये प्रशासन देगी तब हम पहनाएंगे। अगर किसी गरीब के पास नहीं रहता तो वो क्या करेगा, वो कैसा पाएगा? हमारे लोग के लिए तनख्वाह बढ़ता नहीं, हमारा लोग को रेट बढ़ता नहीं है, हम लोग उसी पर रहते हैं। राज्य सरकार ने अभी तक महाकुंभ के लिए 7,500 करोड़ रुपए के 384 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सरकार की योजना कुंभ की जगह 150,000 से ज्यादा पौधे लगाकर इस आयोजन को हरित बनाने की भी है।